हेलो एवरीवन, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद बीएस। ट्रिक टू लर्न एटॉमिक मास। हमारी एटॉमिक मास की ट्रिक्स वाली जो वीडियो बना रहे थे वो अभी तक चल रही है, वो सीरीज चल रही थी, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एलिमेंट्स के आज जो हम लोग 71 to 80 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक सीखेंगे, है ना। याद रखने की कह सकते हैं या फिर निकालने की कह सकते हैं, कैसे मतलब लिख सकते हैं उसके एटॉमिक मासेस। तो देखिए, मैंने 71 to 80 एलिमेंट्स लिख दिए, है ना, यहां से यहां तक है। अब इसके पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द वेरी नेसेसरी चीज, है ना, सबसे ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। तो ल्यूटेटियम का होता है 71, पहले एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। हाफियम का 72, मैं पढ़ दे रहा हूं नाम ताकि आप लोगों को आसानी हो, है ना। टैंटलम का 73, टंगस्टन का 74, रेनियम का 75, ऑस्मियम का 76, अरेडियम का 77, प्लैटिनम का 78, प्लैटिनम ही हाँ, गोल्ड का 79 एंड मर्क्यूरी का 80। ये हो गए हमारे एटॉमिक नंबर्स, है ना। अब पिछली बार की तरह जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अभी भी करेंगे। यहां देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक। यहां देखिए जो है पहली ट्रिक क्या होगी, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 71 है, है ना। एलिमेंट का जो फर्स्ट है 71 to 80, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 71। 71 को अगर हम 1 को इधर रख के 7 को उधर रखेंगे तो क्या बन रहा है भाई, 17 बन रहा है। ये हमारी ट्रिक स्टार्ट हो गई यहीं से, है ना। 71 को हमने उल्टा किया तो क्या बन रहा है, 17 बन रहा है, और 17 बन रहा है। तो अब देखिए यहां से हमारी ट्रिक को थोड़ा समझना है आप लोगों को। 17 को हम रखेंगे कितने बार, 2 बार रख देंगे, ठीक है। अब 17 के बाद क्या आता है, 17 के बाद 18 आता है, ऑफकोर्स सबको पता है 17 के बाद 18 आता है। तो इसके लिए हमने 17 रखा इन दोनों के लिए, इसके लिए 17 के बाद क्या आता है, 18 रखेंगे। 17 के बाद 18 आता है तो हमने 18 चुपचाप यहां पे लिख दिया। देखिए कितनी ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब ये कितनी बार थी, 2 times थी हमारी ये, 17 हमने 2 times लिखा था, तो 2 के बाद क्या आता है भाई, 3 आता है, तो 18 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 times, we should write it 3 times। तो ये हमारा हो गया क्या, 3 times 18। सिमिलरली अब देखिए 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है भाई, 19 लिखेंगे, है ना। तो 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है, तो हमने 19 भी लिख दिया। अब हमने 18 कितनी बार लिखा था, 3 times, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 19 को हम कितने बार लिख देंगे भैया, 4 बार लिख देंगे, 2 बार इधर और 2 बार यहां पे, 19 and 19। अब 2, 3 और 4, 2 plus 2, 4, है ना, 2, 3, 4, 17, 18, 19 के बाद 20 आता है, और 20 के कितने बार लिखेंगे, 2, 3, 4, 4, 5 बार लिखेंगे क्या, एक ही नंबर है ना हमारे पास, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, उसी के लिए लिखना है, तो हम 20 को बस 1 बार लिख देंगे। ये हमारी ट्रिक, यहाँ पे थोड़ा साइड करके लिखते हैं कि आगे एक और डिजिट जोड़ना है ना। ये हमारे एटॉमिक मासेस अभी हुए नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 8 है, है ना, लास्ट हमारा 8 से यहाँ पे खत्म हुआ है, तो 8 का हाफ क्या होता है भाई, 4 होता है ना, तो हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब 4 का डबल हो जाता है 8, तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये 2 जो है हमको ल्यूटेटियम का और हाफनियम का हमको एटॉमिक मास मिल चुका है, ऑलरेडी लिख दिया मैंने, 174 एंड 178 होता है उसका, अप्रॉक्स होगा इसके आसपास। अब देखिए टेटेलम का देखते हैं, 73, 18 है। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, इतना सा होने के बाद जितने भी ग्रुप्स हैं, एक ये ग्रुप हुआ 17 वाला, 18 वाला और 19 वाला और 20 वाला, ठीक है, सबकी जो स्टार्टिंग होगी 18 के, मतलब इस ग्रुप का स्टार्टिंग कहां से हुआ है, सेकेंड ग्रुप का, यहां से हुआ है, तो यहां पे हम लिख दिए 0, ठीक है। इसका स्टार्टिंग क्या हुआ है, ये, यहां पे भी हम 0 लिख देंगे, और इसका स्टार्टिंग जहां हुआ है वहां पे भी 0 लिख देंगे, तो हमको 80 का भी एटॉमिक मास मिल गया, इसका 19 का भी मिल गया, 18 का भी मिल गया, इसका मतलब 73 और 76 का मिल गया, सॉरी, इन सबके हमको एटॉमिक मास मिल गए।
अब देखिए थर्ड ग्रुप में है ना, तो यहां हम क्या लिख देंगे, थ्री लिख देंगे। सिमिलरली जैसे यहां फोर किए थे, फोर का डबल क्या था, एट था भैया, तो यहां भी थ्री का डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा भाई। तो हमने यहां पे सिक्स लिख दिया। देखिए हमको 71 का 174, 72 का 170, मैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बोल रहा हूं, 72 का 178, 73 का 180, 74 का 183, 75 का 186, 76 का 190। अब 77 में क्या करना है, 77 में फिर से हमको क्या करना होगा, ऊपर जैसे देखिए यहां पे क्या है, इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे। टू जीरो के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, टू आता है, तो अब यहां टू लिख देंगे। टू के बाद इवन नंबर क्या आता है, फोर, फोर के बाद क्या आता है, सिक्स, है ना। लेकिन अब हमारा एक एक्सेप्शन, सारे केसेस में एक एक्सेप्शन तो होता ही है, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ये जो फोर वाला है ये क्या हो जाएगा यहां पे, फाइव बन जाएगा। तो देखिए फिर से एक बार रिकैप करते हैं, जल्दी से समराइज करते हैं। तो हमने चार ग्रुप्स में बांटा, 17, 18, 19 एंड 20। 17 क्यों लिखा भैया, क्योंकि यहां 71 था, 71 का उल्टा 17, लास्ट में यहां 8 पे खत्म हो रहा था, 80 पे खत्म हो रहा था, 80 का हाफ, 8 का हाफ 4, तो 4 पुट कर दिया, 4 का डबल कर दिया 8। फिर हमने सेकंड स्टेप में देखा कि सबके स्टार्टिंग में जितने भी ग्रुप्स हैं सबके स्टार्टिंग में हमने 0 पुट कर दिया, यहां यहां और यहां, एटॉमिक मास हमको उसके मिल गए। अब फिर से थर्ड ग्रुप था तो 3 लिख के उसका डबल कर दिया, 3 और डबल किया 6, है ना। अब इसमें 1 2 थर्ड ग्रुप में, है ना, थर्ड ग्रुप में क्या किया, 0 2 4 6, ये क्या थे, इवन नंबर्स चल रहे थे हमारे, हमने इवन नंबर्स पुट किए, और लास्ट में एक एक्सेप्शन था हमारा 195 जो 78 का था, उसको पुट किया, और ये हमारे एटॉमिक मासेस आ गए 71 टू 80 एलिमेंट्स के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।